पीलीभीत के गजरोला में 28 फरवरी को एक मामला सामने आया था कि रूपलाल नामक बेटे ने पैसों के लिए अपनी मां की हत्या कर दी, जो मौके से फरार था। गजरोला पुलिस ने आरोपी को सुंदरपुर पलिया से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बहकाने की कोशिश करते हुए खुद को विक्षिप्त बताया, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आधार पर आरोपी को जेल भेज दिया। इस घटना में सफलता हेतु आरोपी को पकड़ने पर एसपी देवरंजन वर्मा ने टीम को 2,500 रुपए इनाम दिया। क्यों मारा अपनी माँ को? कुछ मालूम सर, मैं तो पागल आदमी हूँ, मैं तो ऐसे घूमत रहा 4-5 साल से, मुझे कुछ पता नहीं चला आखिर में क्या हो जाए। एकदम रात ऐसे छा जाए। काय से मारा था? इनकार हो। तो ये तो पता है इससे मारा था, ये नहीं पता कब मारा था, क्यों मारा? दिमाग भर गया, चक्कर रहा। नशा काय से करता है? मैं तो 4-5 साल से ऐसे घूमत हूँ। नहीं, नशा क्या लेते हो? नशा कहूँगा? शराब पीते हो? ना। इसमें कुछ भी ना, ऐसी का दिमाग खराब है यार, पता ना क्या चीज सरट हो यार। तो अफसोस है माँ मर गई? हाँ, नहीं मारा काय कुमार दिया। क्या था मामला, पकड़ा गया है, क्या बता रहा है? ये 28 फरवरी की रात की बात है। बिठौरा कला नाम का एक गांव है, थाना गजरौला में, पीलीभीत में। यहाँ पर एक व्यक्ति रूपलाल नाम का है, जिसने अपनी माँ गोमती देवी की गर्दन पर बांका मार करके उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद अभियुक्त फरार हो गया था, लेकिन इसको हमारी गजरौला पुलिस की टीम ने, SHO गजरौला ने मिल करके उसको पकड़ लिया, और उसके साथ ही जिस बांके से उसने हत्या की थी वो भी बरामद कर लिया। सर क्या बता रहा है, क्यों मारा था इसने? ये एक्चुअली जो इसकी माँ थी वो विधवा थी, और उनको पेंशन मिलती थी, सरकारी उनके पेंशन मिलती थी। तो कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार की वजह से ये काफ़ी बिगड़ गया था, और किसी भी तरीके से ही बस इसको पैसा मिल जाए जब भी ये डिमांड करे। और उस दिन ऐसा हुआ था कि इसकी माँ ने मना कर दिया था पैसा देने से, तो उसी में ही इसने अपना आपा खो दिया और मार दिया अपने उसको। बताया जा रहा है नशा भी करता है ये कोई, और इस बारे में तो अब जो हरकतें वो कर रहा है उसमें तो एक बार ये भी शक जाता है कि चूंकि इतना जघन्य अपराध उसने किया है, इसलिए वो एक एक्टिंग सी कर रहा है कि हमको सजा से बचत हो जाए कुछ। तो इस बारे में तो मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी यही लग रहा है कि शायद वो सजा से बचने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है।